जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए का सुपर प्लान तैयार हो चुका है। आतंकी और उनके हिमायतियों को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि आम नागरिकों के चोले में आतंकवादियों का साथ देने वाले गद्दारों के साथ भी इस समय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सुरक्षा बलों ने आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स को जड़ से उखाड़ने की एक नई योजना तैयार की है। दो वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। कश्मीर में आतंक के शुभ चिंतकों के अच्छे दिन खत्म। कश्मीर में आतंक के समूल सफाई का फाइनल प्लान। कश्मीर में 2 साल की डेडलाइन, आतंक का काउंटडाउन। कश्मीर में न आतंकी बचेंगे, न आका, न रखवाला। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में डंके की चोट पर ऐलान कर आए। पाक परस्त जमात को उनकी मांद में घुसकर ललकार आई। आतंक के संपूर्ण सफाई का ऐलान कर आए। अब उन दावों वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने आतंकियों पर फाइनल वार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक तरफ आतंकवादियों के खात्मे को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के सहयोगी यानी ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। कल गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्देश दिए गए कि अलगाववादियों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर की चेन तोड़ने के लिए एनआईए बड़े ऑपरेशन करे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि एनआईए आने वाले दिनों में ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है। श्रीनगर से दिल्ली तक आतंकियों की घेराबंदी का प्लान तैयार हो रहा है। बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में हुई है। पहले देखिए इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एनआईए के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी, आईबी के अफसर, गृह मंत्रालय के अफसर। ये बैठक करीब 2.25 घंटे चली, लेकिन इसमें जो प्लान बना वो आतंक की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी संगठनों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर पर बड़ा शिकंजा कसने का प्लान तैयार हुआ है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा एनआईए पर होगा। हाल ही में गिरफ्तार ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में एनआईए को कई साजिशों की जानकारी मिली है। एनआईए ने अब तक 27 आतंकी और उनके सपोर्टर ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। एनआईए के रडार पर इस समय ओवरग्राउंड वर्कर के कई रिंग लीडर्स हैं। ये भी पता चला है कि कई ओवरग्राउंड वर्कर के दूसरे राज्यों में भी संपर्क हैं। एनआईए अब पैन इंडिया आतंकियों के सहयोगियों पर शिकंजा कसेगी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो उनको गाइड करते हैं, उनके बदले सर्विलेंस करते हैं, उनके बदले रिकॉग्निशंस करते हैं, उनके बदले उनको सेंचुरी देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की मदद करते हैं, उनको खाद्यान्न देते हैं और उनके लिए तमाम काम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस देते हैं। लाजमी है कि जब ऑपरेशंस आतंकियों के साथ शुरू होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं घरों में होते हैं जहां पे हो सकता है कॉल सेंटर चल रहा हो, उनका आंखा कान का काम करते हैं, तो इसको देख जो नई एक रणनीति अपनाई है, इसमें जो आवाम है वो कई बार फंस जाती है। और खासकर जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके साथ खड़ी होती दिखती है, तो लगता है कि कोई बड़ी बहुत बड़ी साजिश है और इसको इस आतंकी सोच को मारना निहायत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ओवरग्राउंड वर्कर क्या होते हैं और इन्हें दबोचना क्यों जरूरी है। ओवरग्राउंड वर्कर को हाइब्रिड आतंकी भी कहा जाता है। ये कभी आतंकी बन जाते हैं तो कभी आम नागरिक का चोला पहन लेते हैं। ये आतंकियों के बड़े मददगार हैं और हथियारों की सप्लाई चेन के मास्टरमाइंड होते हैं। इन ओवरग्राउंड वर्कर का रोल बेहद खतरनाक है। इनके बिना आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ड्रोन, हाई ग्रेनेड, एके सीरीज की राइफल, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों की सप्लाई इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए होती है।
इसलिए इन्हें धराशायी करना जरूरी है और अब इनका अंत भी तय है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने की समय सीमा भी तय कर दी है, यानी 2 साल। जी हां, अगले 2 वर्षों में कश्मीर घाटी को दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से आजादी दिलाने का प्लान बना लिया गया है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि कश्मीर घाटी में अमन की राह में आने वाले किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादियों के पक्ष में खड़े कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, उनको भी एक सख्त पैगाम दिया जा रहा है कि आतंकवादियों के साथ भाईचारे की सियासत अब नहीं चलने वाली है। गोलियों से घिरे कश्मीर के ऐसे इलाकों की तस्वीर आपके जहन में पहले भी दर्ज होती रही है। आतंक से दो दो हाथ की ऐसी जंग आप पहले भी देखते रहे हैं। ये कुलगाम की तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों ने एक साथ 5 आतंकियों का फाइनल हिसाब किताब कर दिया और मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया। अफाक सिकंदर, TRF का टॉप कमांडर, शाकिर उर्फ अम्मार, हैदर उर्फ असलम टाइगर, इब्राहिम, 5वें आतंकी की शिनाख्त भी जारी है। इन आतंकियों का अंत हुआ सुरक्षा बलों के ढूंढो और ढेर करो वाले ऑपरेशन के तहत, जिसके जरिए अब आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने तो आतंक के सफाई की समय सीमा भी तय कर दी है। कानून व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की सख्ती का सीधा मतलब है आतंक अब कतई बर्दाश्त नहीं, न ही उनके हिमायतों से ही कोई सहानुभूति होगी। कश्मीर में आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन ऑल आउट पहले से जारी है। अक्टूबर में तो कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों ने कहर बरपा दिया है। जरा 3 महीने के आंकड़े पर गौर कीजिए। सितंबर में 10 आतंकी ढेर, अक्टूबर में 17 आतंकी मारे गए, नवंबर में 5 आतंकियों का अंत हुआ। लगातार हो रहे प्रहारों से बिलबिलाए आतंकी कायराना हरकतों पर उतर आए हैं। गैर कश्मीर आम और गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनकी ये साजिश भी चलने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उन नेताओं में से हैं जो आतंकवादियों से भाईचारे का नारा लगाती रहती हैं, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर सवाल उठाती रहती हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो एनकाउंटर में सिविलियंस को मार देते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और आज वो तमाम फैमिली श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में डेड बॉडीज मांग रही है, लाशें मांग रही है, और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं को पुख्ता संदेश दे दिया कि आतंक पर मीठी बोली नहीं चलेगी। महबूबा के भाई पर ईडी का शिकंजा है, तो खुद महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार कश्मीर में अमन के बयार बहाने की ठान चुकी है और अब इस रास्ते में कोई भी रोड़ा उसे मंजूर नहीं। बदलते कश्मीर की रंगत पूरी दुनिया देख रही है। डल झील की आबोहवा बदल चुकी है, लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। अमित शाह 370 की विदाई के बाद खुद कश्मीर जाकर भाईचारे का पैगाम दे आए हैं। मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। एक तरफ आतंक से दो दो हाथ, तो दूसरी तरफ विकास का ब्लूप्रिंट, कश्मीर की कायापलट अब कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। देश जानता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली अगर किसी को नापसंद आएगी तो वो है आतंक का प्रायोजित करने वाला देश पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान आतंक से मुक्ति के अभियान में अड़ंगा डालने से बाज नहीं आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर
कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की साजिश रची। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। I'm constrained to take the floor once again to respond to some frivolous remarks made by the representative of Pakistan earlier today. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मंच था और पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर अपनी चाल दिखा रहा था। पाकिस्तान को तो अपने गिरेबा में नहीं झांकने की बीमारी है, लेकिन भारत की बेटी ने एक बार फिर यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान का सच से सामना करवा दिया। This is not the first time the representative of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Pakistan chahe jitni marzi sach se muh chhipata phire, lekin wo jab bhi Kashmir par jhoot ki zuban chalayega, Bharat use benakab karega. वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कम से कम 12 संगठनों का ठिकाना है पाकिस्तान, जिनमें से 5 आतंकवादी संगठन सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। इनका सारा फोकस भारत में दहशत फैलाने पर रहता है। जाहिर है पाकिस्तान सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतारा है। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Ye Pakistan ka naqab hi to hai. जो वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित देश बताते नहीं थकता, लेकिन असल में जितने प्रकार के आतंकवादी पाकिस्तान में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों को अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वैश्विक स्तर के आतंकवादी संगठन, यानी जो दुनिया भर में आतंकवाद का पर्याय है। दूसरी श्रेणी अफगानिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, यानी जो अफगानिस्तान में आतंकवाद के जिम्मेदार हैं। तीसरी श्रेणी भारत और कश्मीर में केंद्रित आतंकवादी संगठन, यानी जो भारत और कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं। चौथी श्रेणी पाकिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, यानी जो पाकिस्तानी जनता को निशाना बनाते हैं। और पांचवी पंथ केंद्रित आतंकवादी संगठन, यानी जो शियाओं को निशाना बनाते हैं, यानी खुद अपने ही देश के लोगों का दुश्मन है पाकिस्तान, जहां आतंकवादियों को फ्री पास मिलता है निर्दोष लोगों की जान लेने का, आतंकवाद से लहूलुहान करने का। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का ये तमाशा अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। एक ब्रेक लेंगे हम यहाँ, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आज तक। एक ब्रेक लेंगे हम यहाँ, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।